पठान मूवी में बहुत सारे अप्स एंड लोज हैं और सब लोग पठान के अप्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो भैया पठान के लोज के बारे में कौन बात करेगा। तो गाइज वेलकम टू कॉमन एंटरटेनर, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं पठान की ऐसी 5 चीजों के बारे में जहां पे मेकर्स चूक गए हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पठान मूवी से बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल ये 5 चीजों की वजह से पठान मूवी में अप्स एंड लोज की बात हो रही है। पहला पॉइंट आता है फाइट सीन्स का। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पठान मूवी के फाइट सीक्वेंस बिल्कुल अच्छे नहीं है, भाई वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब पठान और जिम की फाइट हुई है पठान हारा है, और पठान मूवी में ही जब सलमान खान आए थे उनका एक्शन सीक्वेंस बहुत तगड़ा है। उसके अलावा मूवी की स्टार्टिंग में जो शाहरुख की एंट्री वाला फाइट सीन था वो भी बहुत औसम था। तो बात ये है कि मेकर्स जब अच्छे फाइट सीन्स दे सकते थे तो उन्होंने पूरी मूवी में क्यों नहीं दिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऐसी ही फाइट सीक्वेंस पूरी मूवी में रखते तो वो बहुत अमेजिंग होता, क्योंकि अब पठान के कैरेक्टर को लेकर मेमोरी ऐसी बन गई है कि पठान तो पिट ही जाता है, जबकि अगर आप सही में एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हो तो भाई आपको अपने हीरो को ज्यादा पिटते हुए नहीं दिखाना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई इस मूवी का हीरो कौन था, पठान या फिर जिम, क्योंकि हमने टाइगर फ्रेंचाइजी में भी देखा है कि टाइगर माइंड गेम खेलता है और वॉर मूवी में भी देखा है कि कबीर भी अपने माइंड से ही खेलता है, लेकिन पठान मूवी में जिम माइंड गेम खेलता है। यहाँ तक कि दीपिका ने भी मूवी में शाहरुख का कितनी बार काटा है, मतलब मैं पूरी मूवी में यही सोचता रह गया कि पठान की इंटेलिजेंस को अब दिखाएंगे, लेकिन पठान को एक नॉर्मल सोल्जर जैसा दिखाया गया है। तो भाई अगर आप पठान को हीरो बोल रहे हो तो उसको हीरो की तरह प्रेजेंट तो करो, सिर्फ लास्ट में हीरो विलन को मारकर ही हीरो नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सलमान खान वाले सीन का, या फिर हम उसको कैमियो बोले। तो पहली बात तो ये है कि सलमान खान का प्रेजेंस कैमियो नहीं था, वो एक प्रॉपर सीन था। और दूसरा ये कि भाई अगर आप एक स्पाई यूनिवर्स बनाना चाहते हो तो कोई मिशन वगैरह तो दिखाओ। कहने का मतलब ये है कि हमें पठान मूवी में टाइगर के मिशन की छोटी सी झलक भी दिख जाती और वही मिशन हमें टाइगर 3 में भी दिखता तब आता भाई असली मजा इस यूनिवर्स का। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें यूनिवर्स के नाम पे सिर्फ टाइगर को दिखाया है। अगर हमें कोई ईस्टर एग मिल जाता टाइगर 3 के मिशन का तो भाई मजा कुछ और ही होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिड क्रेडिट सीन का, या फिर हम उसे एंड क्रेडिट सीन भी कह सकते हैं। तो उस सीन में टाइगर और पठान बैठकर किन्हीं और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो एज ए सलमान खान और शाहरुख खान बैठकर बात कर रहे थे। तो भाई इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ठीक है आपने वो पार्ट फैंस के लिए डाला था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता एंड क्रेडिट सीन में, बल्कि मेकर्स को उस सीन में कुछ तगड़ा दिखाना चाहिए था और वो भी स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड, क्योंकि भाई क्रेडिट सीन का मतलब यही होता है कि फैंस के अंदर आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में क्यूरियोसिटी जगाना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है ऋतिक रोशन के कैरेक्टर कबीर का। तो सीन ये है कि पठान के मेकर्स पठान के लेवल को बहुत ऊपर लेके जा सकते थे अगर वो तीनों स्पाई को एक साथ दिखा देते, टाइगर, पठान और कबीर को, क्योंकि भाई जो फैंस थ्योरीज बना रहे थे कि कबीर और पठान एक ही टीम में हुआ करते थे वो तो मेकर्स ने गलत साबित कर दी। लेकिन एटलीस्ट इन तीनों को एक सीन में एक साथ दिखाकर एक बहुत बड़े यूनिवर्स का सीन बना सकते थे, और भाई उसी सीन के पार्ट हमें वॉर 2 और टाइगर 3 में दिखता तब आता मजा असली स्पाई यूनिवर्स का। तो भाई मैं क्लियर कर दूं कि मैं पठान का हेटर नहीं हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि मेकर्स पठान के लेवल को बहुत ऊपर लेके जा सकते थे, लेकिन पठान एक्सपेक्टेशन जितनी मजेदार नहीं निकली। तो भाई आप पठान मूवी में क्या क्या देखना चाहते थे जो आपको मूवी में नहीं दिखा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।